हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं टेक विजेट्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं असस के लेटेस्ट स्मार्टफोन जेनफोन मैक्स प्रो M2 के बारे में। ये स्मार्टफोन दोस्तों आज ही लॉन्च हुआ है और बहुत कमाल के फीचर्स के साथ आता है। पर दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ छोटे मोटे कॉन्स पे जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। मैं इस वीडियो में दोस्तों इसी असस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का सभी मेजर कॉन के बारे में आपके साथ डिटेली डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, कोई भी स्मार्टफोन एक परफेक्ट डिवाइस नहीं है, चाहे वो 1.5 लाख का फोन क्यों ना हो, आपको सभी फोन के अंदर कुछ ना कुछ माइनर कॉन्स तो मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों Asus Zenfone Max Pro M2 के अंदर भी कुछ माइनर कॉन्स है एंड आज रिव्यू, और मुझे लगता है कि इन कॉन्स के बारे में मुझे आपको डिटेली बताना चाहिए, चाहे वो कॉन्स माइनर क्यों ना हो। तो दोस्तों, अभी चलते हैं स्मार्टफोन की पहला कॉन की तरफ, जो कि स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी को लेकर। यहाँ पे दोस्तों आपको Asus Zenfone Max Pro M2 के अंदर एक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी मिलते हैं। दोस्तों इस फोन की बैक पोर्शन कंप्लीटली बनाई गई पॉलीकार्बोनेट के थ्रू, पर यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिलता है जो कि इस फोन की लुक को काफी अट्रैक्टिंग बनाता है। पर दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक बिल्ड वाला इन हैंड फील मिलेगा और यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी डिजाइन होने की वजह से ये फोन आपको मेटल बॉडी की तरह स्ट्रॉन्ग फील नहीं देगा और यहाँ पे आपको बहुत इजिली स्क्रैचेस देखने को मिलेगा इस फोन की बैक पोर्शन में, अगर आप इस फोन को बिना क्रैश में यूज करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इस फोन की बैक पोर्शन में जो पॉलीकार्बोनेट यानी कि जो ग्लॉसी फिनिश यूज किया गया है, वो एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, इसके ऊपर आप बहुत इजिली फिंगरप्रिंट को देख सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस फोन को केस के साथ यूज करेंगे तो आपको इतना बड़ा इशू नहीं होगा। पर ओवरऑल दोस्तों इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा एवरेज है, अगर आपको मेटल बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली दोस्तों इस फोन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड कॉन है, वही स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा को लेकर। यहाँ पे दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 13 MP का सेल्फी कैमरा और यहाँ पे सेल्फी कैमरा को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है जेनफोन मैक्स प्रो M1 के कंपैरिजन में। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा इमेज क्लैरिटी देखने को मिलेगा। पर दोस्तों अभी इस सेल्फी कैमरा में आपको सेल्फी पोर्ट्रेट का फीचर नहीं मिलता है, यानी कि आप इस फोन के सेल्फी कैमरा के थ्रू पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक अभी नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट भी नहीं मिलता है इस फोन की सेल्फी कैमरा के थ्रू। पर आपको रियर कैमरा में पोर्ट्रेट शॉट एंड HDR का सपोर्ट मिलता है, पर यहाँ पे अभी सेल्फी कैमरा में पोर्ट्रेट शॉट्स एंड HDR सपोर्ट नहीं दिया गया। शायद दोस्तों आगे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये फीचर्स आ सकते हैं, पर अभी फिलहाल दोस्तों अगर आप इस फोन में सेल्फी पोर्ट्रेट क्लिक करना चाहेंगे तो आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कॉन है, वो स्मार्टफोन की नेटिव वीडियो कॉलिंग फीचर को लेकर। देखिए दोस्तों, नेटिव वीडियो कॉलिंग फीचर कुछ ऐसा है कि आपके फोन की डायलर के थ्रू डायरेक्टली नेटिव वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे, जो कि बिना डाटा को ऑन किए आप कर पाएंगे और ये एक बहुत अच्छा फीचर है। आपको बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि Xiaomi, Realme एंड Samsung के फोन्स के अंदर, जो कि दोस्तों शायद आगे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आ सकता है इस फोन में, पर अभी फिलहाल आपको इस फोन में नेटिव वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं मिलेगा। अगर आपका ये मेन प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कॉन है, फास्ट चार्जिंग फीचर को लेकर। यहाँ पे दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इस फोन में बहुत अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलेगा। पर दोस्तों इस फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे 10W चार्जिंग का फीचर मिलता है, जो कि दोस्तों इस फोन के बॉक्स में भी आपको एक 10W अडाप्टर मिलेगा। अगर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग फीचर होता तो आप इस फोन की पैसिव बैटरी को थोड़ा सा क्विक चार्ज कर सकते थे, पर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का फीचर Asus ने नहीं दिया है। अगर इस फोन में फास्ट चार्जिंग का फीचर Asus दिया होता तो आप अलग से कोई फास्ट चार्जर खरीद के, थर्ड पार्टी फास्ट चार्जर खरीद के इस फोन को चार्ज कर सकते थे, पर यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग, नेटिव फास्ट चार्जिंग का फीचर नहीं मिलता है। दोस्तों शायद आगे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फास्ट चार्जिंग यहाँ पे अनलॉक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो देखते हैं आगे Asus इस फोन में अपडेट देता है या नहीं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कॉन है, वो स्मार्टफोन की माइक्रो USB पोर्ट को लेकर। यहाँ पे दोस्तों आपको इस फोन में जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एक माइक्रो USB पोर्ट है, जो कि दोस्तों अभी थोड़ा सा ओल्ड हो गया है। ये दोस्तों इतना बड़ा इशू भी नहीं है, पर आपको ज्यादातर बजट सेगमेंट के फोन के अंदर अभी माइक्रो USB मिल रहे हैं। इन फ्यूचर दोस्तों आपको बहुत जल्द सभी स्मार्टफोन के अंदर USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेंगे और आप USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू फास्टर डाटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग भी कर पाएंगे माइक्रो USB पोर्ट के कंपैरिजन में। तो दोस्तों एक छोटा सा इशू है, पर हमें इस फोन के अंदर माइक्रो USB पोर्ट के साथ एडजस्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं लास्ट कॉन की तरफ, जो कि स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। यहाँ पे दोस्तों इस फोन के अंदर हमें 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, पर इस फोन के अंदर हमें स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों आप इस प्राइस रेंज के बहुत सारे फोन्स के अंदर अभी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, पर इस फोन में अभी तक स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे दोस्तों शायद सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इस फोन में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अनलॉक हो सकता है, पर अभी फिलहाल नहीं है। तो अगर आपका स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग मेन प्रायोरिटी है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो सकता है। तो दोस्तों बस ये था कुछ माइनर कॉन्स Asus Zenfone Max Pro M2 के अंदर। अभी दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर जितने भी कॉन्स मैं आपको अभी बताया, उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड कॉन्स है, जो कि आगे शायद सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फिक्स हो सकता है। और यहाँ पे Asus इंडिया ने भी कंफर्म किया है, आपको कैमरा रिलेटेड एक बहुत जल्द अपडेट भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कैमरा को और भी इंप्रूव किया जाएगा। तो दोस्तों वेट करते हैं कब तक Asus अपडेट देता है। अगर दोस्तों आगे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा आपको अपडेट करने के लिए इस चैनल के ऊपर। इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल
आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन एक बहुत कमाल के स्मार्टफोन है। यहाँ पे आपको मस्त कैमरा देखने को मिलता है, फोन की रियर कैमरा बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे फ्रंट कैमरा थोड़ा सा अभी एवरेज है। आगे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये सब फिक्स हो सकता है। और यहाँ पे आपको अच्छा लुक वाला डिजाइन मिलता है, पर यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो स्लाइटली पुअर है। अगर यहाँ पे आपको मेटल बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है, पर अगर आप केस के साथ यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप इस फोन को बिना कवर के साथ यूज करेंगे तो यहाँ पे बहुत जल्द स्क्रैच आ जाएगा, क्योंकि एक प्लास्टिक बड़ी डिजाइन है। इसी वजह से दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर स्मार्टफोन को खरीदते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को हमेशा केस के साथ यूज करें और एक अच्छा सा केस ले। यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर भी जो केस मिलता है वो भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे दोस्तों जो फास्ट चार्जिंग का फीचर है वो आपको बजट सेगमेंट के बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे मोटोरोला के कुछ स्मार्टफोन और नोकिया के कुछ स्मार्टफोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर मिलते हैं। दोस्तों डेफिनेटली अगर आपका फास्ट चार्जिंग मेन प्रायोरिटी है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है, पर इसके अलावा आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी इस फोन में मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बैटरी लाइफ भी मिलता है, तो आप इस फोन को अगर एक बार चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 2 डेज का बैटरी बैकअप बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस फोन की जो मेन अट्रैक्टिंग पॉइंट है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6। यहाँ पे आपको फोन के डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 6 आपको प्रीमियम सेगमेंट स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आसुस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 को बजट सेगमेंट में इंट्रोड्यूस किया है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन के मामले में इस फोन की डिस्प्ले मस्त है और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा। यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में, तो डेफिनेटली दोस्तों इस फोन की परफॉर्मेंस काफी कमाल का होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको और भी बहुत सारे वीडियोस Asus Zenfone Max Pro M2 के रिलेटेड देने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज शेयर करना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल इसी टॉपिक के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय हिंद।